अभी हम लोग मछली को फ्राई कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इधर हम लोग का मछली चार बाकी है और इधर थोड़ा सा भून के रख लिए। हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वन लाइफ फैमिली में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद घर पे मछली बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि आज हम मछली कैसे बनाते हैं। हमें साथ देने वाली है मेरी छोटकी, ये साथ देगी, हेल्प करेगी मेरा। तो ये अभी मसाला पीस रही और टमाटर को मिक्सर में पीसेगी। टमाटर और प्याज को पीस ली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर टमाटर अभी बाकी है, इसको पीसने में मेरी सहायता करेगी। उसके बाद अभी हम लोग बनाने वाले हैं मछली का सब्जी दोनों मिलके। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। कढ़ाई का तेल गरम हो चुका है और अब हम डालने वाले हैं प्याज। प्याज के साथ डाल रहे हैं दो तेज पत्ता। मसाला फ्राई हो चुका है और अब हम लोग इसमें डालने वाले हैं सरसा। इसको हमने पहले से ही पीस के रख लिया था। फिर डालेंगे हल्दी और ये हमारा मसाला सरसा रेडी है। अच्छा लो ना बेटू, लो। प्याज हमारा फ्राई हो चुका और अब हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर। और टमाटर मेरा फ्राई होने में थोड़ी देर लेट लगेगा। फ्राई होने के बाद हम लोग इसमें मसाला डाल देंगे। टमाटर फ्राई हो चुका है मेरा और अब हम डाल रहे हैं इसमें मसाला। इसमें एक चम्मच हल्दी डालते हैं। और इसमें एक चम्मच नमक डालने वाले हैं। इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालने वाले हैं एक कप पानी। फिर एक गिलास पानी डाल दिए और इसको 5 मिनट तक उबालने दे देते हैं। इसमें हल्की सी धनिया पत्ता डाल देते हैं और हम लोग का मछली बन के रेडी हो चुका है। मेरा मछली बन के रेडी हो गया और हल्का सा डबकने देंगे। और ये रहा मेरा मछली बन के रेडी हो गया। मछली बन के रेडी हो चुका है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।